क्या था स्क्रिप्ट में दैट यू डिसाइडेड टू से यस टू दिस? डेफिनेटली रव्या कुछ होगा. फिल्म वाज नेवर माय प्राइम गोल इन माय करियर, बट आई एम सो ग्लैड दैट आफ्टर 11 इयर्स आई वाज एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, जो कि इतना मजबूत था कि मैंने सोचा कि आई शुड गिव इट अ ट्राई एंड आई शुड टेक अ रिस्क. मजा आ रहा है आपको? आर यू हैप्पी विद द रोल्स जो आपको ऑफर हो रहे हैं? आई एम नॉट एंटायरली हैप्पी, कुड बी बेटर बट नॉट सो बैड. रिहर्सल्स हुई हमारी, पहली दफा बड़े सालों बाद मैंने रिहर्सल किया. वाओ, अच्छा तो आप लोगों की पूरी रिहर्सल होती थी लाइक सीन की? मजा आया आपको गाने शूट करने में? कुछ आप दरख्तों के इर्द गिर्द घूमी, कुछ आपने दुपट्टे लहराए, ऐसा कुछ नहीं है? मेरे ख्याल से उससे निकलना चाहिए जो हम कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं और बना रहे हैं, वो एक अलग तरह का रिलेटेबल कंटेंट होगा. मेरे ख्याल में हम सबको अच्छे स्क्रिप्ट्स और अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए और लेट्स होप कि वो अच्छे से बेहतर की तरफ सफर जारी रहे. दिल धड़कने का सबब याद आया. सबब याद आया, मुझे भी आता है भाई. यार सुनाएंगे? अरे इसी पर आप स्वीटली हंस हंस के गवा देती हैं गाने और फिर उसके बाद जब इंटरव्यू ऑनर होता है तो हमें पता है कि मैं उसको कैसे स्किप करती हूँ. अब आपकी बात नहीं आऊंगी, अब मैं भी स्मार्ट हो गई हूँ. Rabia and you're watching me on Tusha Magazine. इस वक्त मैं हूँ फिल्म नायाब के सेट पे. फ्रेयर हॉल पे एक गाने की शूट हो रही है. सो नाइस ऑफ द होल प्रोडक्शन टीम कि उन्होंने आज हमें यहाँ इन्वाइट किया है कि हम थोड़ा प्रोडक्शन को भी देख सकें, गाना कैसे शूट हो रहा है और हम आर्टिस्ट से भी बात कर सकें. तो बड़े मज़े का सेट है. मैंने कभी फिल्म का सेट पहले नहीं देखा था और गाना शूट हो रहा है. इट्स सो कलरफुल, इट्स सो वाइब्रेंट, इट्स सच अ बहुत अच्छी एनर्जी है और मेरा दिल से मेरी ख्वाहिश है कि ये फिल्म बहुत अच्छा करे. अस्सलामुअलैकुम नौरीन. कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं. अल्हम्दुलिल्लाह. घबराई भी क्यों इतनी? दिस इज मैं आपको कहूंगी नहीं. आई हैव नेवर डन दिस बिफोर. ओके, आई हैव आल्सो नेवर स्पोकन टू यू बिफोर. या दिस इवनिंग आज हम पहले बात कर चुके हैं. बट काफ़ी ड्रामों में आपको देख रही हूँ माशाल्लाह से. रोल्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है आपको? आर यू हैप्पी विद द रोल्स जो आपको ऑफर हो रहे हैं? I'm not entirely happy. Could be better, but it's not so bad. मुझे लगता है for start of the career तो बड़े interesting है and हर role में एक आपको हम different अंदाज में देख रहे हैं. That's true. Yeah. हाँ, सारा एक spectrum of different emotions या characters जो कुछ हो सकते थे वो हुए हैं. Negative भी हुआ, positive भी हुआ, comedy भी हुआ. Yeah. थोड़ा सा विलन भी हुआ बख्तावर में, नेगेटिव भी. बहुत गुस्सा दिलाया भैया आपने हमें, बहुत ज़्यादा. या बहुत मज़ा आया था एक्चुअली. या कितना अर्सा हुआ आपको इंडस्ट्री में आए हुए? या आई थिंक डेढ़ से दो साल हुए होंगे. तो उसी में आपको फिल्म भी ऑफर हो गई है? दूसरी. सो दैट्स कूल ना. एक तो कर भी लिए शूट. कौन सी वाली? शोएब मंसूर की फिल्म है. ओह माशाल्लाह माशाल्लाह. जी जी जी, दैट्स कूल. जिसमें माया और इमाद. हां, आई नो आई नो आई नो. ओके, सो इस फिल्म में आपका रोल क्या है? इस फिल्म में बहुत इंटरेस्टिंग रोल है. आई एम द सिस्टर इन लॉ फॉर द प्रोटैगनिस्ट. ठीक है. एंड आई एम एक्चुअली ड्राइविंग द कॉन्फ्लिक्ट इन द फैमिली. ओके, तो प्रोटैगनिस्ट का अपना पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, जो उसके एम्बिशंस और ड्रीम्स का है. ठीक है. और जो उसका फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है विच इज़ रिलेटेड टू देयर सोशल इकोनॉमिकल सिचुएशन, वो मेरा कैरेक्टर ही ड्राइव कर रहा है. बिकॉज आई एम ऑल्सो देयर. मतलब दूसरी फसाद की जड़ आप है? फसाद नहीं है, इट्स अ वेरी जेन्युइन रीजन. ओके, आई थिंक ऑल मिडिल क्लास फैमिलीज वुड रिलेट टू इट. ओके, बिकॉज इट्स लाइक एक का करियर है और एक के बच्चे की एजुकेशन है. सो बोथ आर एक्चुअली रियली वैलिड यू नो एंडेवर्स. मज़ा आया आपको फिल्म करने में? बहुत डिफरेंट है फ्रॉम ड्रामा, राइट? बहुत. क्या चैलेंज था? थोड़ा सा टायरिंग ज़्यादा है, बट मज़ा बहुत है. बिकॉज एक तो आपको स्क्रिप्ट पहले से मिली हुई होती है काफ़ी टाइम से, एंड देन यू डू कपल ऑफ रीडिंग्स, यू डू अ रिहर्सल, यू एक्चुअली गेट टू मेक द कैरेक्टर पहले से ही सारा. ना आपको पता होता है कि इस स्टेज पर इसका इमोशनल ग्राफ ये है. वो अपॉर्चुनिटी ड्रामे में नहीं होती. That's true. तो बड़ा अच्छा, मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा. और रिहर्सल भी मैंने सुनी है इस वाली फिल्म में तो काफ़ी हो रही है. हाँ, रिहर्सल भी, रीडिंग्स हुई, डिस्कशन हुआ कैरेक्टर पे कि हाउ डज द डायरेक्टर सी इट, और स्क्रिप्ट से उसके साथ बनाना है किस तरह से उसको. हाउ वाज वर्किंग विद यमुना?
amazing. It's my second time working with her. Bakhtawar mein bhi saath hai. She is such a great girl, great actor, and just sweet, positive vibes on set. Like, बहुत मजा आता है उसके साथ काम करने में हमेशा. Okay. Chalein, we'll let you go, Noreen. Thank you so much for your time. Thank you. And we're looking forward to this movie. And आपका भी हम देखेंगे और ड्रामों में different अंदाज में आपको इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. गाना start हो गया पीछे. ठीक है. Bye. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. कैसी हैं आप? पहले तो इतना अच्छा लग रहा है ना आपको, इतना बना सवरा देख के. मैं कहाँ है. नहीं, फ्रॉम जीन्स एंड प्लेन शर्ट और पैंट्स एंड प्लेन शर्ट टू दिस, कितना मुश्किल था ट्रांजिशन करना. वैसे रिसेंटली तो देखते आ रहे हैं हम ड्रामा में आपको, बट नहीं, कोई नहीं, मेरे लिए मुश्किल नहीं होता है, मैं कर लेती हूँ ट्रांसफॉर्म. बट ये फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है. उसका टॉपिक बड़ा इंस्पायरिंग लग रहा है. आपको कोई एक चीज जो इस फिल्म के स्क्रिप्ट जब आपके पास आया उसने स्ट्राइक किया एंड यू रियली वांटेड टू डू इट? दिस इज अ वेरी नेचुरल फिल्म एक्चुअली. कोई इसमें बनाव वनाव नहीं है. कोई बहुत क्लोज टू रियलिटी है एक्चुअली ये फिल्म. और इसमें कास्ट का तो सबको पता है, पता भी चल जाएगा कौन कौन है कौन नहीं है. सो मुझे बेसिकली स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग लगा. मैंने पढ़ा, डिस्कशंस हुई मेरी डायरेक्टर्स से और फिर एडीज़ वगैरह जो भी पैनल था उनका सबका सबके साथ. फिर रिहर्सल्स हुई हमारी, पहली दफ़ा बड़े सालों बाद मैंने रिहर्सल किया. अच्छा, तो आप लोगों की पूरी रिहर्सल होती थी, लाइक सीन की? हमारी बाकायदा 2-3 बार पूरे पूरे सीन्स की सारे कैरेक्टर्स के साथ रिहर्सल हुई थी. I am so impressed, माशाल्लाह. Yes, yes, after like after छोटी सी फैमिली है, इमोशंस हैं इसमें, छोटी सी फैमिली की स्टोरी है और कोई हाई क्लास नहीं है, लो क्लास जो भी है वो दिखाया है. और कोशिश यही की है डायरेक्टर और सब ने मिलके, इसमें इवन प्रोड्यूसर ने, सब ने बहुत बहुत कोशिश करे एक्टर्स के साथ कोऑपरेट करने की, विच इज़ वेरी प्लस पॉइंट कि एक्टर्स को पूरा अपना फ्रीडम दे रहे हैं जिस तरह करना है क्या है. सो यस, दिस इज़ माय सेकंड फिल्म. पहले मैंने माहमीर की थी, उसके बाद दिस इज़ माय सेकंड फिल्म. सो आई होप अल्लाह करे आप लोग प्लीज देखिएगा. सब लोग मेहनत करते हैं, हर कोई जिसने भी पास्ट में फिल्में बनाई हैं और बन रही हैं और आने वाले भी बनेंगी, तो मुझे पता है और आप लोगों को भी पता है कितनी मेहनत लगती है एक फिल्म में. तो लेकिन ये कि आपस में एक दूसरे को हेल्प करें, जाएं मूवीज़ देखें, आसान नहीं है, एक्सपेंसिव टिकट्स होते हैं पूरी पूरी फैमिली को ले जाना, लेकिन यू मस्ट बिकॉज इट्स अ गुड फिल्म. तो अब कास्ट में भी माशाल्लाह से हमारे अच्छी कास्ट है इसमें, अच्छा डायरेक्टर है माशाल्लाह से, पहली दफ़ा ही इज़ डूइंग अ फिल्म. सो एनीवेज देखें क्या होता है. आपका इतना एक्सपीरियंस है सालों का ड्रामे में भी एंड जनरली भी, यू नो, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ये जब आप फिल्म कर रही हैं, आप पूरा सेट भी देख रही हैं, डायरेक्टर भी देख रही हैं, प्रोड्यूसर भी कर रही हैं, आपको कोई चीज़ एक दो ऐसी लग रही है जो आपको रिफ्रेशिंग, जैसे आपने रिहर्सल्स मेंशन की, सो दैट्स वेरी इंकरेजिंग. इसके अलावा कोई एक और दो चीज़ें आपको लग रही हैं जो इस फिल्म की मेकिंग में है, जो आपको होप भी दे रही हैं, दैट यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंसेस? इसमें डायरेक्टर और सारी पूरी एंटायर टीम बहुत बहुत मेहनत कर रही है, कोई लूप होल कहीं से भी वो नहीं है. तो ये हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बिकॉज सब माशाल्लाह माशाल्लाह से हम लोग ड्रामे तो कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ड्रामे में और फिल्म में थोड़ा सा फ़र्क है. तो इसमें ये कि इसमें ये लग रहा है कि डायरेक्टर इज टेकिंग इट्स ओन टाइम, कि इवन हम लोग की भी एनर्जी कभी कभार डाउन हो जाती है.
with so many retakes, लेकिन ये कि result अच्छा बन के आता है। लेकिन वो कर रहे हैं जब तक वो satisfied नहीं, नहीं होते। वो नहीं होते। Impressive, I'm quite impressed because यहाँ तो ये सुनते जल्दी करो, 40 दिन में खत्म हो गया सब कुछ। हाँ, नहीं नहीं, इसमें ये कोई boundary नहीं है। ये बात है कि इसमें कोई डेडलाइन नहीं है, तो उसमें ये कि प्रोड्यूसर भी शी इज कूल अबाउट इट, ये कोई बात नहीं है, ठीक है। सबसे मजे का तो आपने बोला शी, शी, सो दैट्स अ वेरी या शी इज कूल अबाउट इट, या शी इज कूल अबाउट इट, माशाल्लाह से। तो बस वो भी अपना हम लोग को पूरा पूरा टाइम दे रही है कि जिस तरह भी छोड़ दिया डायरेक्टर पर, सारा सारा कुछ ने छोड़ दिया है, क्रिएटिव फ्रीडम दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है डायरेक्टर को भी, बिल्कुल दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपकी भी कॉल है, शूट हो रही है और उसके दरमियान आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। इट वाज लवली चैटिंग विद यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इतने अरसे बाद दोबारा बातचीत हो रही है, बट हम एक्साइटेड हैं इस फिल्म के बारे में। और आप यमुना की मदर का रोल प्ले कर रही हैं, नाया आपकी मदर जी, चलें ठीक है, वी लुक फॉरवर्ड टू द मूवी एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। ओके जी, बाय। इस वक्त हम हैं नायाब के सेट पे, जो यमुना जैदी की पहली फिल्म है, और मेरे साथ नायाब यानी कि यमुना जैदी बैठी हुई है, द वन एंड ओनली द लवली यमुना जैदी। अस्सलाम वालेकुम यमुना। वालेकुम अस्सलाम राबिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। एंड इट्स सच अ फन सेट, इतना मजा आ रहा है, हल्ला गुल्ला रौनक। आप आज आई ही उस टाइम पे हैं जब हमारा बहुत सेट है और बड़ा फेस्टिव सा माहौल है और एंजॉय कर रहे हैं, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप भी आई हैं और आपने भी एंजॉय किया। नहीं, बट थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि पीछे से पहले दोबारा डायरेक्टर डायरेक्शंस देना शुरू कर दें, हम जल्दी से अपना कर लें। क्या था स्क्रिप्ट में दैट यू डिसाइडेड टू से यस टू दिस? डेफिनेटली रव्या कुछ होगा, बिकॉज फिल्म वॉज नेवर माई प्राइम गोल in my career, but I'm so glad that after 11 years I was able to get that particular script, jo ki itna mazboot tha ki maine socha ki I should give it a try and I should take a risk. It's definitely an entertainment movie, and aur baki bahut zyada reveal nahi karna chahungi, lekin girls relate karengi, families relate karengi, दिल भी रिलेट करेंगे, तो आई थिंक ये तो आपने बड़ी खूबसूरत बात बोल दी कि दिल भी रिलेट करेंगे। मुझे ये बताएं, आपके अपने कोई हैं हीरोज, पीपल जो आपको इंस्पायर करते हो? अगर मैं किसी का नाम पूछूं तो किसका नाम लेंगी आप? आप किस किसी भी सेंस में हो सकती हैं, जनरली फॉर लाइफ? जनरली फॉर लाइफ आई थिंक इट्स माय मदर। ओके, बिकॉज द अमाउंट ऑफ पेशेंस शी हैज एंड शी होल्ड्स एंड शी कैरीज इज अमेजिंग, डेफिनेटली। जो कि मुझे लगता है कि हम आजकल की जनरेशन में हमारे पास इसमें नायाब में भी बहुत सारा पेशेंस कम होता है बहुत सारी बातों और सिचुएशन में, और मुझ में भी, तो मैं उनको बड़ा आइडियलाइज करती हूँ कि सब्र और खामोश रह जाने से बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे मामलात बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो दैट इज़ अ की थिंग जो आजकल मैं थोड़ा अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ। सो नायाब की जो स्टोरी है बड़ी इंस्पायरिंग लग रही है मुझे, और जितना मैंने सुना है, जितना ये अभी सेट पे भी सबसे डायरेक्टर से प्रोड्यूसर से सबसे बातचीत हो रही थी, मुझे लग रहा था मे बी नायाब हमारी लड़कियों को, हमारी यूथ को वो रोल मॉडल दे जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। हमेशा हम रिव्यूअर्स को, क्रिटिक्स को शिकवा रहता है ना कि ड्रामों में या हमारे कंटेंट में वो कैरेक्टर नहीं है जिसको लोग एज रोल मॉडल कर सके, बट नायाब से मुझे वो फील आ रही है। नायाब डेफिनेटली वो एक रोल मॉडल हैं, और नायाब के इर्द गिर्द एक खास कैरेक्टर है जो कि नायाब से बढ़ कर रोल मॉडल, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो है वो जो हमारे जो हमारी ज़िंदगियों में जो मर्द हज़रात हैं, चाहे वो आपके बाप भाई, आपके हस्बैंड, आपके दोस्त कोई भी हैं, उनको अदा करना चाहिए। तो वो एक बड़ा ख़ास कैरेक्टर है इसमें नायाब के साथ, जो कि डेफिनेटली इज़ वेरी क्लोज टू नायाब कैरेक्टर एंड क्लोज टू माई हार्ट। सो डेफिनेटली वो पीपल उससे भी रिलेट करेंगे, और नायाब से तो डेफिनेटली गर्ल्स आप लोग करेंगी। यमुना, जितना हम लोग सोचते हैं ना कि एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो इम्प्रेशन ये पड़ता है बड़ी सीरियस डॉक्यूमेंट्री टाइप या मोटिवेशनल होगी, लेकिन हम क्या कुछ और एक्सपेक्ट करें? डेफिनेटली क्या, मैंने कहा ना फैमिली इंटरटेनिंग। अब और ज़्यादा मैं डेफिनेटली सिचुएशंस तो रिवील नहीं कर सकती, लेकिन लोग इंजॉय बहुत करेंगे। ओके, सो ये वो बहुत सीरियस नहीं होगी, सीरियस के साथ साथ हमें मज़ा भी मिलेगा। बिल्कुल, गाने हैं 7 सॉन्ग्स,
और मेरे से वैसे भी कुछ ऑडियंस जो है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ही फील करती है. एक्सपेक्टेशंस रीसेंट प्रोजेक्ट तो हम अब डिफरेंट कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो जो है ना ऑलवेज अ सरप्राइज. तो मजा आया आपको गाने शूट करने में? कुछ आप दरख्तों के इर्द गिर्द घूमी, कुछ आपने दुपट्टे लहराई, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं देखना चाहता है. वो बहुत पुरानी फिल्म्स होती थी जिसमें, बट मेरे ख्याल से उससे निकलना चाहिए. जो हम कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं और बना रहे हैं, वो एक अलग तरह का रिलेटेबल कंटेंट होगा जिससे लोग रिलेट करेंगे और एंजॉय करेंगे. और डेफिनेटली मैं दोबारा से कहूँगी कि एंटरटेनिंग फिल्म है, तो आप और मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो डेफिनेटली. सो क्रिकेट की फैन थी आप मूवी स्टार्ट करने से पहले? क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, फिर क्या किया? क्रिकेट पे जाके सब पढ़ा क्या? सब पढ़ा, सब मेहनत की, सब तैयारी की. नाउ यू नो LBW क्या है, अब बहुत सारी चीजें पता हैं. कवर शॉट क्या है, हिट रन क्या है, हिट रन था ना एग्जैक्टली, तो हिट विकेट क्या है एग्जैक्टली, ये सारी चीजें. सुबह सवेरे उठ के जो ट्रेनिंग्स हुई है मेरी, डेफिनेटली द क्रेडिट गोज टू माई कोच तनवीर सर एंड द एंटायर टीम. उन्होंने सबने ना मुझे बड़ा प्यार से और ख्याल से और बहुत मेहनत से जो है ना यहाँ तक पहुँचाया है. आई थिंक वी हैव शॉटेड 70% ऑफ द फिल्म ऑलरेडी. या सो या साइलेंटली वी आर वर्किंग ऑन इट. द एंटायर टीम इज पुटिंग देयर हार्ट सोल एंड ऑल द एफर्ट्स टू इट. मुझे सुनना है वो सारा प्रोसेस जो आपका तैयारी में गया, बिकॉज जब हमारी कुछ ऐसे पहले बात हुई थी तो उस वक्त आप मूवी स्टार्ट करी थी एंड आप मुझे बता रही थी कि मैं रोज प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ नेट्स पे और इट्स फिजिकली वेरी चैलेंजिंग. राबिया मेरे लिए जो है वो एक तो ये कि क्रिकेट डेफिनेटली क्रेज है हमारे कंट्री में, लेकिन थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी क्रिकेट के बारे में. तो बैट बॉल को कैसे पकड़ना है, बैट को कैसे पकड़ना है, मुझे ये भी नहीं आता था. तो मेरा ये रूटीन होता था कि सुबह उठ के मैं 7 से 8 मैं मेरे लिए जिम का टाइम होता था. 8 से 9:30 बजे तक क्रिकेट की ट्रेनिंग होती थी और फिर भागती थी घर और फिर 10 बजे 10:30 बजे गाड़ी आती थी और फिर हमारी 13 की शूट पे हम लोग जाते थे. वहाँ पे 12 घंटे देती थी, तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना तो ऐसा रहा. हाँ, फिर जब शूट खत्म हो गया ड्रामे का तो फिर आई जस्ट गेव द एंटायर टाइम टू इट. सो यस, बड़ी मेहनत के साथ ट्रेनिंग की है. और दूसरा ये कि बस मैं कहती हूँ कि फिल्म है तो लोग अगर आएंगे टिकट खरीद के तो हम तो अपना पूरा एफर्ट डालें. बाकी एंड मैंने सुना आपने हार्ड बॉल के साथ खेला है. जी जी, सो पीपल आर सो इम्प्रेस बिकॉज एक तो वैसे ही आपने कभी क्रिकेट खेला नहीं था, फिर हार्ड बॉल पर प्रैक्टिस करना, सो क्या मजा आया? किस शुरू में तो मेरे सब क्रू मेंबर्स को लगी है हार्ड बॉल्स. पहले प्रैक्टिस के दौरान मुझे लगी है. सो आप बैट करती हैं और बोल ऑल अराउंडर? ओके, जो है पहले तो मुझे बहुत लगी प्रैक्टिस के दौरान, और जब हम ऑन शूट गए जो हमारी इनिशियल रिकॉर्डिंग थी तो मैंने बड़े क्रू मेंबर्स को भी बड़े इधर-उधर कहीं शूट रुक जाती थी. हाँ, मिनिमल, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत केयर से, क्योंकि बहुत इंजरी होने का खासतौर पे बॉलिंग में बहुत ज्यादा इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और हार्ड बॉल के साथ तो वैसे मेरे जैसी बंदी तो ये ना प्रैक्टिस में जब छक्का लग जाता होगा या कैच कर लिया या विकेट उड़ा ली तो कितना उस वक्त कितनी खुशी होती होगी? आप तो एक्चुअली में जोर से चीख रही होंगी. मैं नहीं ज्यादा करती थी, मैं हमेशा कहती थी अच्छा सही, अच्छा अच्छा शॉट लगाया, अच्छा जैसे आप उसमें देती हैं परफॉर्मेंस में ना, सही कर लिया आपने, अच्छा. तो वो मुझे कहते थे यमुना तुम जो है अब वो मुझे टैंगो सर हमेशा कहते थे मेरे कोच कि सेल्फ टॉक should always be positive. Yeah. मैं हमेशा कहती थी नहीं सही नहीं हुआ, इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है. वो कहते थे यू नो सेल्फ टॉक should always be positive. Yeah. तो मैं अगर कुछ अच्छा शॉट लगा भी देती थी, एक दिन उन्होंने मुझे कहा ये लगाया ना बॉयज वाला शॉट. मैंने कहा एक मिनट यहीं पर रुक जाए सब. मैंने कहा क्या मतलब ये स्टेटमेंट क्या है ना. तो खैर मजाक और खेल साथ साथ. But tell me what was the most challenging part about the whole process? Definitely having a fast bowling का stance. फास्ट बॉल मैंने बता दिया है, फास्ट बॉलिंग का स्टांस कैच करना और ख़ासतौर पर मैं हूँ भी लेफ्टी, तो उसको जो है वो प्रैक्टिकली करना, कहाँ पे कौन सा फुट कैसे 22 कदम कैसे पूरे करने, कितनी स्पीड पे भागना है, कहाँ पे स्पीड ज़्यादा बढ़ानी है,
क्या स्टांस होना चाहिए, साइड ऑन करना है, फ्रंट ऑन करना है, मेरे तो मुझे तो लगता था मैं सीख ही नहीं पाऊंगी, लेकिन यही कहते हैं ना कि सिखाने वाले पे भी बड़ा डिपेंड करता है और सीखने वाले की मेहनत पे भी डिपेंड करता है. तो ये कि ये सारे प्रोसेस मेरे लिए बहुत मुश्किल थे और बस film all together is a new experience for me. It's a weird. So it's shot Karachi mein zyada tar lekin yeah. kafi locations pe. Haan, different. Haan. Karachi based film hai. Karachi ki bahut si jo cricketer ladkiyan hain unke ghar ahwal, unki kahani, unse inspiration leke kahaniyan pick up ki hain. So yeah. Koi moment tha script padte hue jahan aapki aankh mein aansu aa gaye? Bahut zyada. Main to pehli narration maine suni. Seriously? Ji, jab humne main apne ek aur set se aa rahi thi aur main किसी और बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड में थी और थोड़ा सा डिम लाइट थी जब नरेशन मुझे सुनाई जा रही थी और मैं कह रही थी मैं आंसू छुपा लूँ, किसी को बताने लगी कि मैं रो रही हूँ. तो इवन नरेशन सुनते हुए ही जो है ना कुछ मोमेंट्स इतने टची थे कि वो बस मैं कह रही हूँ ना कि हार्ट्स बहुत दिल भी जो है ना बहुत रिलेट करेंगे. जब मूवी पूरी हो जाएगी और आप सब लोग बैठ के देख रहे होंगे, यू थिंक आप ज्यादा एक्साइटेड होंगी या ज्यादा डरी हुई? बहुत ज्यादा डरी हुई होंगी, बहुत ज्यादा डरी हुई होंगी राबिया, बिकॉज अपने आप को बिग स्क्रीन पे, सिल्वर स्क्रीन पे देखने का मुझे तो कभी भी शौक नहीं था. शौक की बात नहीं है, बहुत इसके लिए को मुझे नहीं लगता कि मजाक या ऐसी बाय द वे की बात है कि अच्छा फिल्म है तो कर लो. ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पे होती है. और जब मुझे अच्छी तरह याद है जब मुझे पता लगा था कि परीजात की आखिरी एपिसोड सिनेमा पे लगेगी, राबिया आपकी सोच है, मैं इतना मैं नाराज भी हुई और मैं बहुत टेंशन में भी आई. और मैंने कहा कि यार बड़े पर्दे पे वो तो बट ये कि मुझे इत्तेफाक से मेरा ट्रैवल था, मैं खुद नहीं देख पाई. और ये वाला भी बहुत अच्छा लगेगा, वी हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू, आपने चूज किया है तो कोई अच्छी चीज होगी इंशाल्लाह. बट जब हम दोनों की बात हो रही थी कुछ दिन पहले यमुना, तो आप हम बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री जो है फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन रियलिस्टिकली स्पीकिंग इतनी कोई ब्राइट नहीं है. एक तो मैं उन लोगों को दाद देती हूँ जो इस वक्त फिल्म्स बना रहे हैं, ये मेहनत करें, ये हिम्मत करें. आपने क्या सोच के, मेरी ये क्यूरोसिटी है, फिल्म में हिस्सा लेने का डिसाइड किया या फिल्म करने का सोचा आपने? क्योंकि कुछ गारंटी तो है नहीं, ड्रामा जो है ना हमारा एक गारंटी के साथ आता है आपके लिए. कहाँ से गारंटी है ड्रामे की राबिया? गारंटी तो हमें किसी भी चीज की नहीं है. 70% गारंटी है, बट यहां नहीं, तो राबिया ड्रामे की क्या गारंटी नहीं है, आप ये बात ना करें. इस वक्त ड्रामा बहुत ज्यादा स्टेक पे होता है, मुझे ऐसा लगता है. अगर व्यूज नहीं आए तो क्रिटिकली एक्लेम हो जाता है, जरूरी तो नहीं है. योर प्रोजेक्ट्स आर मोस्टली माशाल्लाह से, जरूरी तो नहीं है. सो व्हाट आई वांट टू नो इज इसमें आई वांट टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस दैट वेंट बिहाइंड कि मैं फिल्म करूंगी जब पाकिस्तान में फिल्म का फ्यूचर इन इंतहाई ब्लीक है. वेरी रियलिस्टिकली स्पीकिंग आप सोच रही हैं फिल्म्स का प्रेजेंट हम वीक कह सकते हैं, हम फिल्म का फ्यूचर वीक नहीं कह सकते. बट यू नेवर नो दैट यू नो ऑल टुगेदर हम एक प्रोग्रेस या एक प्रोसेस का हिस्सा बने जो कि प्रोग्रेशन की तरफ जाए हमारी फिल्म के लिए, हमारी वेब सीरीज के लिए. अगर कोई कहानी ये कहानी है जो मेरे ख्याल से बताएंगे डायरेक्टर, सुनाएंगे सबको और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग समझेंगे अगर हमने बेहतर तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर लिया इंशाल्लाह. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब शुरू में फिल्म्स बनना शुरू हुई तो बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो बड़े अट्रैक्ट हुए कि हाँ हाँ चलो फिल्म हम कर लेते हैं. बट उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े हैवी रिजल्ट्स होते हैं और उस पर बड़ा आपके करियर पर बड़ा इम्पैक्ट करते हैं. आप ये बात माने या ना माने, आप कहें कि भाई सर्टेन नंबर ऑफ पैसे कमा लिए, सर्टेन नंबर ऑफ बिजनेस हो गया, बट ये इट्स अ फैक्ट कि ये बड़ा रिस्क होता है एक एक्टर के, क्योंकि इट्स अ ब्रेड एंड बटर फॉर. तो मैंने बस एक रिस्क समझ के लिया और मुझे ऐसा लगता है कि इसका कंटेंट बहुत स्ट्रांग है. तो कोई भी चीज मैं ऐसे नहीं करूंगी कि चलो सही है, अच्छा है, क्या पता. सो इसका कंटेंट इतना स्ट्रांग है एंड आई हैव अ फुल स्ट्रांग बिलीफ इन माय डायरेक्टर. यस सो या एग्जैक्टली दैट्स आई थिंक आई वांटेड टू हैव होप फ्रॉम यू
मैं उम्मीद आपकी तरफ से सुनना चाह रही थी कि आपको भी उम्मीद है और आप इस प्रोग्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब हम एक छोटा सा बिल्कुल ना जल्दी से एक हल्का फुल्का वो कर लेते हैं। आजकल कुछ पढ़ रही हैं आप? पढ़ रही हूँ। लिखती भी तो हैं, पढ़ती भी तो हैं आप, कुछ लिखा है आपने रिसेंटली? मैंने रिसेंटली बहुत टाइम से लिखना चाह रही हूँ लेकिन लिख नहीं पा रही यार। I'm missing it too. मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं पुराने वाला मेरी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की प्रोफाइल, अब मैं वो मिस करती हूँ। उस दिन मेरी फीड पे आया जिसमें आप अपनी कुछ नज़म पढ़ी थी, मतलब मैं इमना से पूछूं कि उमना क्यों नहीं लिखा है? कुछ अच्छा लिखूंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है। लिख नहीं रही, कुछ पढ़ नहीं रही अभी। गाने क्या सुन रही हैं? बहुत अरसा हो गया मैंने गाने नहीं बहुत सारे सुने। चलिए, ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मैंने वो सुना मैडम नूरजहां का, सॉरी नहीं इट्स ओके, मैडम नूरजहां का था धड़कने का, दिल धड़कने का सबब याद आया। सबब याद आया, मुझे भी आता है भाई। अच्छा सुनाएंगे? अरे गाना तो ये सुन रही हूँ, मैं चाह रही हूँ आपके फैंस इतने अरसे से ना, सॉरी मेरे फैंस को भी कोई शौक नहीं गाना सुनने के अलावा, आप मुझे हमेशा ही ट्रैप कर लेती हैं एंड टोटली डोंट। उम्र का एक्सपीरियंस कैसा था? वन थिंग दैट यू फील चेंज इन यू, या एक चीज जिसकी आपको रियलाइजेशन हुई आफ्टर डूइंग उमरा? I didn't post it on my social media, but I feel that it was the most beautiful feeling. और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने, मैं अपनी अम्मी को लेके गई थी, वालदा को, अल्लाह जी, मैंने अपने वालिद को कहा था बट वो नहीं जा पाए, और मेरी वालदा को मैंने कहा और वो मान गई इत्तेफाक से, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि वो जो है वो कहती थी कि अच्छा अभी चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे, तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला मेरा कबूल हो ना हो, अम्मी का कबूल हो गया ना उमरा, तो मेरे लिए जन्नत हो जाएगी ज़िंदगी में। आपका भी हुआ होगा इंशाल्लाह, आपने इतनी प्यारी नीयत से किया है, अपनी अम्मी को लेके गई हैं, तो कैसे हो सकता है। Thank you so much for your time, and missing you so much. Thank you so much. Having this chat. Yeah. But वो करेंगे, हमारी बातचीत चल रही है. Refreshing हो गया दोबारा. Yes. हाँ. Thank you. So दिल से बहुत दुआएं आपकी इस मूवी के लिए, and fingers crossed, and we will be looking forward to it. और wish you all the best. Thank you. इस वक्त हम लोग बाहर हैं सेट पे जहाँ पे गाना शूट हो रहा है, और मेरे साथ हैं वो दो बहादुर लोग जिन्होंने सोचा कि हम एक फिल्म बनाएं, और वो भी एक बड़े डिफरेंट टॉपिक पे बनाएं। नो सास बहू, नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नो टिपिकल जो फिल्म में होता है, एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी। तो हमें हंट थी एक अच्छी स्क्रिप्ट की, जो कि हमें नायाब की सूरत में मिली है, जिसके आज हम 38 डे पे हैं शूट के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बड़े अच्छे पेस पे जा रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग इसको ऑन टाइम कंप्लीट करेंगे, और जल्दी से आप लोग को इसकी रिलीज डेट बताएं। तो दैट्स इट, यही है। कुमेल, आप अपनी बहादुरी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहादुरी तो नहीं, वैसे एक समझे एक एफर्ट है, कोशिश है एक, और क्योंकि वैसे मैं कैनीज प्रोडक्शंस को हेड करता हूँ, और समझे तो उसमें हमारे एक ये चीज़ एक फिल्म पर हम लोग ने, जैसे मैंने बताया कि हम लोग ऑलरेडी पहले से एक कोशिश और प्लान चल रहे थे, जिसमें हमें एक ऐसी स्क्रिप्ट फाइनली हमें मिली, जिस पर हमने कहा कि हाँ इस पर हमें कुछ बात करनी चाहिए, और जो कि जो एक फैमिली ड्रामा है, अच्छा है, और ज़्यादातर घरों से लिंक करेगा। ओके, सो जितना मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, जितना मैं सब एक्टर से बात कर रही हूँ, डायरेक्टर से बात की हूँ, जितना कुछ देखी हूँ, जितना फिल्म के बारे में पता चला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी आप लोग किसी फाइनेंशियल रिवॉर्ड के लिए इतना नहीं बना रहे, ऑफकोर्स दैट इज़ देयर, बट इट्स मोर के एक इंस्पिरेशन क्रिएट करनी है, अपनी एक क्रिएटिव नीड को फुलफिल करना है। मैं क्या सही कह रही हूँ? एक ऑडियंस को वो कंटेंट देना है जो शायद आप लोग मिस करते आए ग्रोइंग अप में, या अभी राइट नाउ। एग्जैक्टली ऐसे ही हम लोग ने ना इस फिल्म को दो नाम है जो हमारे इंटरनली चलते हैं, एक पैशन प्रोजेक्ट और दूसरा लेबर ऑफ लव। ओके, तो हम इसको इस प्रोजेक्ट को ऐसे ही देखते हैं, और एक कुछ कोशिश है एक नैरेटिव चेंज करने की, या जो मैसेज हम लोग डिलीवर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट,
उससे क्या रिटर्न आता रहा है पास्ट में, उसको कुछ बेहतर करने की, कि कुछ रिवॉर्डिंग हो इन टर्म्स ऑफ अ बेटर सोसाइटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल और इस तरह की, क्योंकि हम लोग के इसके पीछे हमारे बहुत सारे और मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो इससे लिंक्ड अप हैं. ऑब्वियसली इंडस्ट्री अगर ग्रो करेगी तो वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, मेन नैरेटिव है कि कुछ अच्छा कंटेंट जिससे कि बेहतरी आए सोसाइटी में. कुमार, आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं आपसे? नहीं नहीं, आप दूसरा सवाल पूछो. हाँ हाँ, सभी तो भाई बताइए क्योंकि एक ही है हमारे साथ ही, तो डेफिनेटली. तो मेरा ये था कि व्हाट आई वांटेड टू नो कि क्या एक दो चीज़ें आप लोगों के जहन में थी जो आप देख रहे थे कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में इस पर की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, एंड आपने मेक श्योर किया कि आप वो नहीं करें या उसको इम्प्रूव करें. जैसे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरह आपने पहले बेसिक प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया कि आर्टिस्ट आए तो उनको ये फैसिलिटीज हो, उनको ये यू नो आराम प्रोवाइड करें. ये एक चीज़ है जो आपने मुझसे जिक्र किया. और अभी हम पीछे भी देख रहे थे तो वेरी नाइस सेटअप ऑफ इंडिविजुअल यू नो रूम्स फॉर ऑल द कास्ट एंड द सपोर्टिंग कास्ट एज़ वेल. तो इसके अलावा आप क्या ऐड करना चाहेंगे? मेनली तो हमारे देखिए हमारे मकसद एक काम को एक उस क्वालिटी पर ही लेके जाएं ताकि जितने भी हमारे साथ कास्ट हैं, हमारे साथ क्रू है उनका अक्सर होता है, लेकिन मैं किसी को ऐसे पॉइंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि कोई एक कैटेगरी होती है जिनको आराम उस तरह से नहीं मिलते होते हैं. तो हम तो कहते हैं कि आर्टिस्ट हो गए, क्रू हो गए, ड्राइवर्स हो गए, जो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 3 दिन पहले से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हम उन सब का सोचते हुए कि किसी को पता चले ना तो उनको भी हो कि हाँ अब काम आया है. आप वो काम छोड़ दें जिससे आपको नेक्स्ट डे उठने में तंगी हो रही हो, आप वो ना करें काम. तो अगर ऐसा कुछ अच्छी क्वालिटी डालेंगे तो कम से कम ये हो कि हाँ चलो खुशी है, कल मजा आएगा, मजा आएगा कि इतने दिन अच्छे गुजरे हैं, ये 3 दिन लगा था, अब ये 3 दिन का हमारा काम है. तो हम अब एटलीस्ट हर बंदा 2 से 3 दिन भी उसी एनर्जी से तो है कि ठीक है हाँ यहाँ पहुँचेंगे, काम होता रहेगा, बाकी चीज़ें भी. तो मेनली है. चलें, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन. अभी हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, इंशाल्लाह मूवी के करीब या वंस द मूवी इज़ रिलीज्ड हम इनको इनवाइट करेंगे एंड वी हैव अ डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन. बट द होल प्रोसेस कैसे बनी, क्या चैलेंजेस थे, अभी शूट चल रही है और बहुत कुछ हो रहा है, तो उसके बीच में इन्होंने हमें टाइम दिया एंड आई नो इनके पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आवाज़ यहाँ से आती है, एक आवाज़ वहाँ से आती है. सो आई लेट यू गाइज गो एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस, गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. आज इतना मज़ा आ रहा है, मैं कभी किसी सेट पे नहीं गई. सो मुझे ना एक वो भी गाने का तो एक कलरफुल एंड वाइब्रेंट एंड इट्स सो मच फन. सब बहुत सारी चीज़ों का डेब्यू कर रहे हैं एक साथ, तो ये कोशिश है कि नए टैलेंट्स आए और हम तो ओपन हमेशा से ओपन फॉरम रहे हैं कि लोग मिलें और हम इसको बड़ा करें, जो भी चीज़ है इसको और बड़ा करें, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड वाइड इसको लेके जाए. तो हम हैं उस मिशन पर. चलें, अल्लाह आपको इस कोशिश में कामयाब भी दे, खैरत और खैर आफियत से. वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू.